अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है, और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है, और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को ये देश पहचानता है। मेरे परिवार ने मुझे एक चीज सिखाई है कि ये देश दिल से बोलता है और दिल से सुनता है, ये देश सच्चाई को पहचानता है, और मैं जानती हूं कि आज वो दिन है जब से सारा कुछ बदलने लगेगा। मेरे मीडिया के साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूं, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। मैं जानती हूं आप पर कितना दबाव है, मैं जानती हूं कि आपको लाइन भेजी जाती है कि आज आपको ये कहना है, आज आपको ये लिखना है, लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज लोकतंत्र खतरे में है। अगर सरकार सवाल उठाने वाले को 8 सालों के लिए संसद से निकाल सकती है, अगर कह सकती है कि तुम्हें चुनाव लड़ने की ही इजाजत नहीं है, तो बहुत गड़बड़ है, बहुत गलत हो रहा है, और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। जब आप पत्रकार बने, शुरू शुरू में जब आप काम के लिए आए, तो आपके दिल में भी ये होगी बात कि देश के लिए मैं सच्चाई बोलूंगा, मैं सच्चाई बोलूंगी। आज आप बोल नहीं पा रहे हैं, हिम्मत करिए, खड़े हो जाइए आप भी। और जैसे खड़गे जी ने कहा कि तमाम पार्टियों ने आज अपनी आवाज उठाई है, उनका हम सब धन्यवाद देते हैं, और हमें, हम सबको एक होना पड़ेगा, इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आज ये देश खतरे में है। आज इस देश की सारी संपत्ति एक आदमी को सौंपी जा रही है, और उस आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो जाती है। बहुत गलत हो रहा है अगर आज मेरे भाइयों और बहनों आप इसको पहचान नहीं पाएंगे, तो इस देश को बहुत खतरे में डाल देंगे। इसीलिए यहां खड़े हुए महात्मा गांधी जी की समाधि के कुछ ही गज दूर खड़े हुए मैं आपको याद दिलाती हूं कि कितनों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है, कितनों ने इस देश की धरती, इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है। ये अफसर हैं, यहां तैनात खड़े हैं, इसी तरह से इनके भाई सरहद पे खड़े होते हैं हमारे लिए, आज भी अपना खून बहा रहे हैं। क्या इसके लिए, क्या अडानी जी के लिए, कि अपने देश के किसान के लिए, अपने देश के गरीब के लिए, अपने देश के छोटे व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम सब अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपसे आग्रह करती हूं मेरे देशवासियों, आंखें खोल लो, समय आ गया है, डरो मत। राहुल गांधी के शब्दों में, डरो मत, इनका सामना करने का समय आ गया है। एकजुट हो जाओ, सामना करो, इस देश की सच्चाई को उभारो, इस देश की एकता को बनाए रखो, और इस देश को आगे बढ़ाओ।